कितनी सिमट गई है धूप मेरे घर के कोने में कोने से, परछाई भी मेरी अब मेरे साथ नहीं रहती। इतनी सिमट गई है धूप मेरे घर के कोने से, परछाई भी मेरी अब मेरे साथ नहीं रहती। आज मैं फिर गल करनी सी अपनी बुक दी, जिंदगी दी कसक। ओ ना जड़ा वा, वो पंजाबी च मैं लिखना चाहुंदी पर एक्सेप्ट नहीं करदे ते लिख नहीं सकदी, ते पंजाबी दी बुक हैगी आ। पहली बुक भी सब ने काफ़ी लोगों ने खरीदी, दूसरी बिल्कुल नहीं खरीदी ननकाणा साहब दी, ये तीसरी पंजाबी दी जिंदगी दी कसक आ। इहदे विच लफ्ज़ काफ़ी तिखे ने क्योंकि मैनू सिर्फ ठेठ पंजाबी आउंदी आ। जे मैं उर्दू सिख्या हुंदा तां मैं उहनूं जरूर चाशनी दे विच वलेट के लफ्ज़ां नूं सुणदी तुहाडे वल, पर इस तरह की कोई गल नहीं, मेरी बहुत सीधी सादी ते खड़ी पंजाबी आ, ते की कर सकदी मैं। ते जरूर इहनूं पढ़ना, काफ़ी नकीले लफ्ज़ ने, खून भी निकल सकदा लोकां दा, पर मेरी इहो ही खास ही लिखण दी मैं लिख दित्ती। दूसरा, सब कहें कि इंग्लिश होनी चाहिए, इंग्लिश सारे अं पढ़ सकते हैं। पहला मैं इंग्लिश दे लिखनी नहीं आती, पर जे मैं लिखन ते आ जाँ तो लिख भी सकती हाँ, हर इंपॉसीबल चीज़ मैं पॉसीबल करना जानती हाँ, पर मैं लिखूँगी नहीं, इस करके नहीं कि जो गिले शिकवे तो प्यार पंजाबी विच दिखाया जाता ना, वो इंग्लिश विच नहीं हो सकता। इंग्लिश विच तो लोग डिप्लोमैटिक होंदे ने, ना ज़्यादा किसी नूं देंदे ना घट लेंदे, तो ही ठहरे पंजाबी लोग, इस करके वो गिले शिकवे जिहड़े आ पंजाबी विच ही कीते जा सकदे आ, ते मैं कीते भी आ। काफ़ी शानदार मेरी किताब आ, ते जरूर पढ़ना। थैंक यू।